नमस्कार, बीसी न्यूज की खबरें सुपर फास्ट में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नागपुर आए थे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से संवाद साधा। इस समय उन्होंने मोदी सरकार को मायावी सरकार कहते हुए कहा, जनता को ये सरकार गुमराह कर रही है। साथ ही उन्होंने भाजपा और मोदी सरकार पर जमकर टिप्पणी की है। सतीश उके ने आरोप लगाया कि देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री रहते गैर कानूनी तरीके से जूनियर इंजीनियर को डिम डेट दी, जिसमें ज्यादातर देवेंद्र फडणवीस के रिश्तेदार और करीबी थे, जिसके तहत देवेंद्र फडणवीस ने करोड़ों रुपए हड़पे और घोटाला किया। पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावन को इन्होंने पत्रकारों से संवाद साधते हुए कहा कि पंकजा मुंडे को लेकर चर्चा है कि वो उनकी बहन प्रीतम मुंडे इन्हें मंत्री पद न मिलने से नाराज है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हाल ही में उन्होंने संपन्न हुए पक्षकार कारिणी की बैठक में उपस्थिति लगाई है। उद्धव ठाकरे को पता है कि उनके 90% सांसद और विधायक उनसे नाराज हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पद पर होने के कारण वो इस मामले में दखल नहीं दे रहे हैं। ऐसा वक्तव्य पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा नेता चंद्रशेखर बावन को ने किया। पुलिस थाना अंतर्गत आने वाली नरेंद्र नगर चौक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैंक के पुराने कर्मचारी द्वारा ही एटीएम फोड़ने की कोशिश करने का मामला सामने आया, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 युवकों सहित एक नाबालिग को गिरफ्तार किया। खबरें सुपर फास्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।